नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे फिल्म मलिक के बारे में। ये आई है अमेज़न प्राइम वीडियोज़ पे। ये एक मलयालम फिल्म है और अगर आप मलयालम नहीं जानते तो इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ आप इसको देख सकते हैं। फिल्म के डायरेक्टर हैं महेश नारायणन। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी ज़्यादातर एक छोटे शहर के इर्द गिर्द है, लेकिन इसका संदेश काफ़ी बड़ा है। फिल्म के लीड रोल में है फहाद फासिल और इनके करेक्टर का नाम है सुलेमान अली। सुलेमान अली अपने शहर के गॉडफादर जैसे व्यक्ति हैं। उन्होंने गुंडई से एक मुकाम हासिल किया है और गरीबों के प्रति उनके मन में काफ़ी हमदर्दी है। वो स्कूल ड्रॉप आउट हैं और स्मगलिंग से, क्राइम से, करप्शन से उन्होंने अपनी एक जगह बनाई है, कुछ दौलत हासिल की है। और शुरुआती दृश्यों में ही हम देखते हैं कि अली अब हज पर जाने वाले हैं, लेकिन एयरपोर्ट पे उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। बहुत सारे लोग शहर में अली के समर्थक हैं, उनको चाहते हैं, और इनकी गिरफ्तारी के बाद शहर में एक तनावपूर्ण माहौल उत्पन्न हो जाता है। और फिर इस शहर में क्या होता है या फिर अली के साथ क्या होता है, यही आप इस फिल्म में देखते हैं। दोस्तों, फिल्म की शुरुआत जो है वो काफ़ी उलझी हुई है। शुरुआत में हम देख रहे हैं कि अली अब हज को निकलने वाले हैं और बहुत सारे लोग उनसे मिलने आते हैं। ऐसे में बहुत सारी बातें जल्दी जल्दी होती रहती हैं, बहुत सारे करेक्टर्स हमारे सामने आते हैं और ये देखना थोड़ा उलझन भरा है। और दोस्तों, इस फिल्म को सेट करने के लिए, इस कहानी को सेट करने के लिए काफ़ी लंबा वक्त यहाँ लिया गया है। काफ़ी वक्त बीतने के बाद जो रियल स्टोरी है वो शुरू होती है। हालांकि ये स्टोरी अच्छी है और इसमें कई ट्विस्ट और टर्न भी हमको देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा दोस्तों, जैसा मैंने कहा कि ये फिल्म एक महत्वपूर्ण संदेश भी देती है, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हमारे सामने लाती हैं। हम देखते हैं कि राजनीति किस तरह से नफरत को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करती है, समुदायों के बीच में नफरत पैदा करके कुछ लोग इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। और हम ये भी देखते हैं कि अगर किसी भी वजह से नफरत का बीज एक बार बो दिया जाए तो इसके घातक परिणाम लंबे समय तक होते रहते हैं। लंबे समय तक लोगों के मन में ये नफरत जहर भरती रहती है। दोस्तों, ये एक गैंगस्टर की कहानी है, लेकिन इस फिल्म में अच्छी बात यह है कि यहाँ बहुत ज़्यादा खून खराबा नहीं दिखाया गया है। हालांकि अली को हीरो के रूप में दिखाने के लिए ज़रूर ही कुछ ऐसी चीज़ों का सहारा लिया गया है जो कि इलॉजिकल लगती है। जैसे हम देखते हैं कि अली स्मगलिंग के लिए पनडुब्बी का इस्तेमाल करने लगे हैं। चलिए, मान लिया कि पनडुब्बी वो कैसे भी करके बना भी लेंगे, लेकिन यहाँ हम एक ऐसी नाव देखते हैं जिसमें पहिए भी लगे हुए हैं। अली समुद्र में है और कोस्ट गार्ड के लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं। वो लोग किनारे आते हैं और नाव के पहिए खोल के गाड़ी की तरह उसको भगा करके ले जाते हैं। यहाँ तो मुझे लगा कि यार कुछ ज़्यादा ही कर दिया इन्होंने, और ये जो चीज़ है ये सहज ऐसी होती नहीं है। दोस्तों, फहाद फासिल इस फिल्म के लीड रोल में हैं। बहुत ही अच्छा उन्होंने अभिनय किया है। स्क्रीन पर उनको देखना हमेशा अच्छा लगता है। और आप ये भी देख सकते हैं कि एक अभिनेता कितना सहज होकर के किसी भी कैरेक्टर को पोर्ट्रे कर सकता है, कितने अच्छे ढंग से यहाँ पेश कर सकता है। इसके अलावा आप यहाँ देखते हैं निमिषा संजयन को या विनय फोर्ड को या दूसरे जो कलाकार हैं, वो सब अपनी अपनी जगहों पर ठीक हैं। तकनीकी तौर पे भी ये फिल्म ठीक दिखती है। कुछ जगहों पर कैमरा वर्क जरूर आपको एक्सेलेंट दिखता है, शानदार दिखता है। दोस्तों, ये फिल्म है 2 घंटा 40 मिनट की, और इस फिल्म की लंबाई भी इसकी एक समस्या है। इस फिल्म में बहुत गुंजाइश थी कि इसको काट छांट के छोटा किया जा सकता था, लेकिन ऐसा किया नहीं गया, और इसीलिए शुरुआत में ये फिल्म थोड़ी सी बोझिल सी आपको लग सकती है। लेकिन दोस्तों, ये एक साफ सुथरी फिल्म है। कोई गाली गलौज नहीं, कोई सेक्स न्यूडिटी के सीन नहीं, और अगर आखिरी तौर पे देखा जाए तो ये एक बेहतरीन फिल्म नहीं है, एक ऐसी फिल्म है जो कि आप देख करके एंजॉय कर सकते हैं, और इसीलिए मेरी रेटिंग रहने वाली है 5 में से 3 की। तो दोस्तों, आज इतनी ही बात। आप मेरे वीडियोज़ को देखिए, लाइक कमेंट शेयर करिए। पहली बार अगर मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।